नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको दिया गया है कि अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में लिखिए। आर का मतलब होता है कौन सी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का जो है, रियल नंबर का जो है, हम लोग को अंतराल रूप लिखना है। और यहाँ पे अंतराल रूप को आप लोग को हम बता दें कि बस इसी में जो है अंतर आप लोग को पहचानना है और इसी से जो है आप लोग को लिखना है। देखिए, ये जो है ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें जो है दोनों तरफ से जो है क्लोज है। और दोनों तरफ से क्लोजिंग का मतलब है कि इसमें जो है ए को भी लिया गया है और बी को भी लिया गया है। ठीक है, इसमें ए को भी शामिल किया गया है और बी को भी शामिल किया गया है। क्लोज का ये जो है सिंबल है और हम लोग ए और बी क्लोज कर देंगे। देखिए, यहाँ पे वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं, अंत बिंदु का मतलब ए भी लिया जाएगा और बी भी लिया जाएगा, तो ये जो है क्या होंगे, संवृत बंद अंतराल कहलाते हैं। और प्रतीक द्वारा, इस प्रतीक द्वारा जो इनको निरूपित किया जाता है। अतः ए और बी जो है ऐसे रहेंगे और इनको जो है हम लोग जो है निर्माण रूप में जो है ऐसे लिखते हैं। और इसको अगर निर्माण रूप में ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बस यही आप लोग को समझना है। देखिए, अब इसमें जो है इधर से क्लोज रहेगा, यानी कि ए इधर से क्लोज रहेगा, देखिए, और बी जो है इधर से ओपन रहेगा। देखिए, यहाँ पे अगर नीचे बराबर आर इक्वल नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये ओपन है। और यहाँ आर इक्वल दिया गया है, मतलब ऐसे करके और ऐसे जो है दिया गया है, तो समझिए कि इधर क्लोज है। ठीक है, इसमें देखिए, इधर यहाँ पे जो है ए है तो इधर से क्लोज है, देखिए। ठीक है, और इधर से ओपन है। बस इतना जो है तरीका का जो है उपयोग, तीन गो तरीका का उपयोग इसमें जो है हम लोग को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को इन्हीं सब का जो है उपयोग करके जो है इसको बता देना है। यहाँ पे देखिए, पहला दिया है कि यक्स कोलन यक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। और यहाँ पे देखिए -4, ठीक है, -4 ओपन है और मैंने -4 इज लेस देन यक्स और यक्स इज लेस देन आर इक्वल 6। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या, मैंने यह यक्स जो है -4 से जो है शुरू करके और प्लस में जो है 6 तक है। और इसको जो हम लोग को अंतराल रूप में जो है कैसे लिखना है, ये चूंकि जो है किस रूप में है, अब यहाँ पे देखिए, छठवां को जो हम लोग को जो अंतराल रूप में लिखना है, पहला का जो है छठवां। अब इसको हम डायरेक्ट अंतराल रूप में लिखते रहे हैं, तो डायरेक्ट अंतराल रूप में देखिए, इसको -4 लिख देंगे। ठीक है, -4 और -4 और इसको लिख देंगे 6, -4 और इसको लिख देंगे 6। और बस देखिए, ब्रैकेट कैसे रहेगा इसी का जो है हम लोगों को जो है विशेष इसका जो है समझना है। तो ब्रैकेट देखिए, इधर से जो है क्या रहेगा, बड़ा रहेगा क्वेश्चन और इधर से छोटा रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो है क्या है, क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है। तो क्लोज वाले को जो है सिंबल ऐसे है और ओपन वाले का सिंबल ऐसे है। बस इसमें यही देखना है कि इधर से कौन क्लोज है और कौन ओपन है। तो ये ओपन है और ये क्लोज है। क्लोज का मतलब कि जो है 6 को जो है शामिल किया जाएगा, लेकिन जो है -4 को जो है शामिल नहीं किया जाएगा संख्याओं को लिखने में। -3, -2, -1 से शुरू करेंगे और 6 तक जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, कहने का मतलब है इधर ओपन है, तो इधर ओपन का मतलब हम लोग जो है -4 को जो है नहीं ले सकते हैं, यानी कि 3 को, -3 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यक्स कोलन यक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और माइनस में 12 इज लेस देन यक्स और यक्स इज लेस देन -10। अब देखिए, इसमें दोनों तरफ जो है ओपन रहेगा, बस -12 और -10 लिख देना है और दोनों तरफ ओपन कर देना है। दूसरा में -12 आ ओपन आ इन कामा जो है -10। ठीक है, -10 आ ओपन, बस ये जो है आप लोग को दिखा देना है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 0 जो है क्लोज है और यहाँ पे देखिए 7 जो है क्या है, ओपन है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 7। और तीसरा, तीसरा में जो है क्या हो जाएगा, तो 0 और जो है 7 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहाँ क्लोज रहेगा, कहाँ ओपन रहेगा, तो 0 की तरफ से जो है क्लोज रहेगा। ठीक है, 0 की तरफ से क्लोज रहेगा और इधर जो है ओपन रहेगा। बस यही जो है आप लोग को इसमें करना है, जो ऐसे करना मैंने सीख लेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, ये 0 ओपन, 0 क्लोज हो रहा है और यहाँ पे जो है
ये जो है क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। एकर मतलब क्या है कि जीरो के पसवा जो है क्या है, ऐसे और ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे जो है क्या है, ये ऐसे है ना। तो ये जो है समझिए कि ओपन है और यह जो है क्लोज है, ठीक है। जहाँ पे ऐसे है मतलब कहने का मतलब जो है समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जीरो इज लेस देन आर इक्वल, ठीक है। जीरो इज लेस देन आर इक्वल का मतलब कि जीरो जो है क्या है, छोटा है, मैंने यक्स से जो है छोटा है जीरो, या इसके बराबर है। तो इसके बराबर है यानी कि जीरो को भी शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यक्स इज लेस देन 7, यक्स जो है यक्स का मान जो भी लेंगे वह जो है लेस देन 7, 7 से कम है लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसको ओपन रखा जाता है यहाँ पे, देखिए। और इसको शामिल करने का मतलब यहाँ पे क्लोज का ब्रैकेट का जो है चिन्ह लगाएंगे, क्लोज का जो है चिन्ह है, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए चौथा, चौथा में जो है क्या है कि जो है दिया है यहाँ पे, देखिए चौथा में 3 क्लोज है, ठीक है। यक्स इज लेस देन आर इक्वल 4, मतलब इसमें दोनों को लिया गया है, तो दोनों जो है क्या रहेंगे, ओपन, दोनों क्लोज रहेंगे। यहाँ पे दोनों क्लोज रहेंगे, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग दोनों को क्लोज में रखेंगे, और 3 और जो है क्या लिख देंगे 4। सबसे आसान यह है, बस ये जो है यही आप लोग को समझना है कि कौन ओपन रहेगा और कौन क्लोज रहेगा। तो किधर से ओपन है किधर से क्लोज है, यहाँ पे देखिए 6 क्लोज है, यह जो है ओपन है। मैंने क्लोज का मतलब जो है, देखिए क्लोज का मतलब ये वाला सिंबल है, ठीक है, और ओपन का मतलब ये वाला सिंबल है। जहाँ ऐसे है ये जो है 6 के पास ये वाला क्लोज वाला करेंगे, और यहाँ पे ऐसे है इसका मतलब खुला रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो -4 और 6 लिख सकते हैं, और इधर से क्लोजिंग का सिंबल है और इधर से ओपन का सिंबल है। जहाँ पे मतलब यक्स इज लेस देन आर इक्वल 6 लिखा हुआ है, तो इधर से जो है समझिए कि 6 को भी लेना है, शामिल करना है, इसलिए इधर क्लोज रहेगा, ठीक है। मैंने हमारे ख्याल से ओपन और क्लोज का सिंबल समझ गए होंगे आप, बस इसको जो अंतिम अंतिम पद मैंने प्रारंभिक पद और अंतिम पद लिख देना है बस। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जो है अंतरालों को जो है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अब देखिए इसमें समुच्चय मैंने इस फार्म में जो है हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, और ये भी ओपन है। तो इसमें जो है हम लोग किस फार्म में लिखेंगे, ये जो है दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन है, तो जो है हम लोग जो है किस फार्म में लिखेंगे, दोनों ओपन है तो ये वाला सिंबल ना हो, ठीक है। मतलब इस फार्म में लिखेंगे ये और ऐसे लगा के, ठीक है। मैं कहने का मतलब है कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सातवां को आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है निम्न के समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, समुच्चय, समुच्चय। देखो दोस्तों देखिए वीडियो बनाने में जो है बहुत जो है मेहनत लग रहा है, 2 बजे जगना पड़ रहा है, आप लोग जो है उसके हिसाब से जो है रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है हमारा भी मदद कीजिए, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसको जो है लाइक सब्सक्राइब और एक थैंक यू जरूर लिख दीजिए भाई। थैंक यू लिख देंगे तो जो हो सकता है कि हम 1 बजे के बजाय जो है 2 बजे जग के जो है वीडियो बनाएं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो समुच्चय निर्माण, तो समुच्चय निर्माण को जो है हम लोग जो है समुच्चय निर्माण रूप में जो है कैसे दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को लिखा गया है, पहला दिया गया है क्या है, तो ओपन -3 और 0। और इसको जो हम लोग को दिखा सकते हैं निर्माण रूप में, तो निर्माण रूप में जो है कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बराबर हम लोग को जो है निर्माण रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को अब इसमें जो है ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो है ये ओपन है और ये भी ओपन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -3 और केवल इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और यक्स और केवल इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और इसको लिखेंगे 0 बस। सबसे आसान ये है, ठीक है, सबसे आसान यही है बस, ये हो गया आपका निर्माण रूप में। अब दूसरा देखिए, दूसरा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा इधर से जो है क्लोज है और ये है 6 है, और इधर जो है क्या है 12 है, और इधर जो है ओपन है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इसी ब्रैकेट के मझला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और मझला ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो है, ओहो अब इसमें जो है थोड़ा सा हमें ये छोड़ दिया है, ये वाला तो लिखेंगे ही, मैंने विशेष रूप से इसी पे ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है। और इसको तो जरूर है यही चलता रहेगा, यक्स कोलन यक्स, यक्स कोलन यक्स,
जहाँ यक्स जो है क्या है, एक रियल नंबर है। यक्स जो है किसका, रियल नंबर का एलिमेंट है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है ये वाला चीज़ जो है लिख दीजिएगा। मैंने कहने का मतलब है कि देखिए इसमें लिख दे रहे हैं कि यक्स कोलन यक्स, और यक्स को जो है हम लोग कह देंगे कि किसका एलिमेंट है, तो ये रियल वास्तविक संख्याओं का जो है एलिमेंट है। और जो है इसका मान जो है क्या है, अब देखिए इधर से क्लोज है, अब इधर से क्लोज होने का मतलब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या कामा जरूर लगाएंगे, कामा के बाद से अब इसको लिखेंगे। अब इधर से क्लोज है का मतलब जो है 6 और आर इक्वल लिखेंगे, ठीक है, जब इधर से क्लोज है तो। आ इसके बाद से जो है यक्स लिख देंगे, और फिर जो इसको जो हम लोग लिखेंगे इज लेस देन 12, इज लेस देन 12, बस ऐसे जो है लिखेंगे हम लोग, ऐसे इसको लिख देना है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को दिया गया है 6 और 12, 16, 12, और दोनों तरफ से जो है, नहीं तीसरा है ना, तो तीसरा में इधर से क्लोज है, तीसरा में इधर से क्लोज है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, रोस्टर निर्माण, या इसको जो है निर्माण रूप में लिखेंगे, यक्स कोलन यक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये तो जो है चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 6 ओपन है, तो जो है 6 को ओपन रखने के लिए ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। 6 इज लेस देन यक्स आर इक्वल, 6 इज लेस देन यक्स, और यक्स इज लेस देन आर इक्वल कितना, 12, ठीक है। मतलब आर इक्वल का मतलब 12 को भी लेना है ना, तो अब इसको जो हम लोग ऐसे जो है लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद से जो है चौथा देखिए, चौथा ये जो है सबसे आसान है दोस्तों, और इसको समझ लेंगे तो ये परीक्षा में 100% पूछता है, और ऐसे जो है अगर समझ लेते हैं तो आपका जो है समझिए कि दो दो नंबर में पूछ देगा, 2 या 1 नंबर में, 1 नंबर में इसको पूछेगा, ठीक है। तो इसको जरूर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जो भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रहा ना, दोबारा कमेंट करेंगे ना, तो इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए यक्स कोलन यक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिख देंगे इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और इसके बाद से देखिए इधर जो है क्या है, इधर जो है क्लोज है, तो इधर क्लोज है तो हम लोग जो है क्लोज वाले को लिखेंगे -23, -23 इज लेस देन आर इक्वल, -23 इज लेस देन आर इक्वल यक्स, और यक्स इज लेस देन क्या, 5। और देखिए बारिश जो है बहुत तेज़ होने लगा है, और जिसके वजह से जो है वीडियो में जो है आपका नॉइज भी आना शुरू हो गया होगा। तो इसके बाद जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया चारों। अब इसके बाद से हम लोग को आठवां जो है क्या कर रहा है, तो आठवां देखिए, आठवां में निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक जो है कौन सा जो है सार्वत्रिक जो है समुच्चय है वास्तविक जो है प्रस्तावित करेंगे, कौन सा जो है सार्वत्रिक। यहाँ पे देखिए आठवां, आठवां देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय जो है किसको प्रस्तावित करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय के लिए जो सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा, जिसमें यह दोनों आ जाए, दोनों चीज़ें आ जाए, समकोण त्रिभुजों का भी समुच्चय आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सार्वत्रिक का मतलब होता है योग करना, जिसमें हयो आ जाए हयो आ जाए और इससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तो वह जो है क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो जो त्रिभुजों का समुच्चय है, समकोण त्रिभुजों का, समद्विबाहु, समकोण का मतलब देखिए जिसमें समकोण त्रिभुज भी शामिल किया गया हो, ठीक है, और जिसमें जो है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, मतलब इस टाइप के जो है त्रिभुजों को शामिल किया गया हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके लिए हम लोग सार्वत्रिक जो है समुच्चय लिख सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है क्या होगा, सार्वत्रिक इसमें जो है लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें मैंने सब त्रिभुज आए, वह जो है समुच्चय जो है क्या होगा, इन दोनों का जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा, का समुच्चय वही जो है क्या होगा, जो है सार्वत्रिक समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, यह जो है क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है सार्वत्रिक जो है समुच्चय इसका होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है बस ऐसे लिख देना है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, देखिए सार्वत्रिक का मतलब हुआ नूम, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपका ए समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय ए है और इसमें जो है आपका दिया गया है कौन सी,
1 0 2 3 दिया है। और मान लीजिए एक समुच्चय आपका बी है और इसमें आपका जो है अवयव दिया है 2 3, ठीक है 2 3। और एक जो है आपका जो, अब इन दोनों का जो है सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा वो कौन होगा, वह होगा जो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, वह होगा जिसमें जो है इसके भी पद हों सब आ इसके भी सब पद हों, आप भले कुछ अधिका भी हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला जो है सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है तो ये वाला समुच्चय बना दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी ले लें, ठीक है। तो ये जो समुच्चय होगा यह जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है ना। इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे कि इसमें के सारे अवयव इसमें आ गए और इसके भी सारे अवयव इसमें मिल जाएं तो वह जो है यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि सार्वत्रिक सेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगला हम लोग को सवाल देखना है, नौवा। नौवा जो है सवाल हम लोग का यही है, देखिए का है नौवा सवाल में, देखिए ना का है, इसको हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि हमारा ट्राइपोडवा जो है अड़ जाता है, तो इसीलिए इसको टेपर कर देना पड़ रहा है, तो बात को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए देख दे रहा है कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, ठीक है। देख रहे होंगे कि 0 2 4 6 8 है सी में, हैं तो कह रहा है कि बताइए कौन जो है तीनों समुच्चय बी सी के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो इसमें कौन लिया जा सकता है, देखिए ना, जिसमें जो है ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, माने ए के भी अवयव आ जाए, बी के भी अवयव आ जाए और सी के भी अवयव आ जाए। तो पहला में देखिए 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो ई जो है इसमें देखिए 1 2 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, तो देखिए इसमें 0 जो है यह है और 6 8 नहीं है, 6 और 8 नहीं है इसमें पहला में, आ दूसरा तो रिक्त समुच्चय होगा ही नहीं। अब इसमें जो है तीसरा हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में देखिए इन तीनों का अवयव इसमें जो है शामिल है, इसके अतिरिक्त जो है 9 10 एक्स्ट्रा भी है, तो यह जो है क्या कहलाएगा, मैंने कम से कम तीनों का अवयव इसमें मिल जाए, मैंने जिसमें मिल जाए वही जो है आपका जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इसमें जो है सार्वत्रिक समुच्चय आपका जो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं कि तीसरा में जो है क्या है, सभी अवयव मौजूद हैं, ठीक है ना। तीसरा में सभी अवयव जो है क्या है, मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं क्या, तीनों समुच्चय कौन सी, ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए कौन सा समुच्चय होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में कामा जरूर लगाइएगा, कामा मत भूलिएगा, ठीक है। 9 10 ये वाला जो समुच्चय है आपका तीसरा, यह जो है आपका जो है उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो है आपका जो है उप समुच्चय होगा तीसरा, ठीक है। ऐसे जो बना है यह जो है आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए जो है ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट वा में सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। भाई एगो कमेंट जरूर लिखिएगा भाई, आप लोग कमेंट जो है कुछ नहीं लिख रहे हैं, अरे थोड़ा हमारे ऊपर भी जो है रहम कीजिए भाई, हैं 2 2 बजे 3 3 बजे उठ के जो आदमी वीडियो बना रहा है, आप लोग वो थैंक्स भी नहीं लिख के भेजते हैं, अरे भाई कुछ तो करो, शर्म करो। अब यहाँ पे देखिए अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगला वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बेन आरेख पढ़ना है अगले वीडियो में, अब बेन आरेख जो है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ रहे हैं ना, अब बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, ठीक है, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं तो जो है कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।